धक आ गया। देखिए दोस्तों, कभी कभी थ्रेसिंग मशीन हवा की उल्टी दिशा में अगर आप लगाते हैं तो आपको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर हवा का दिशा उल्टा हुआ तो आपको इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पूरा ट्रैक्टर वहाँ से ढका गया है। जिस साइड आपका धान निकल रहा है उधर हवा का दिशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुआल इस साइड अगर उड़ के आता है तो आपको आपका धान में पूरा करकट आ सकता है। अब इसका लोकेशन हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग मशीन कैसे लगाएं, धान भरने वाला इस साइड में रखें और पुआल निकलने वाला इस साइड, मतलब हवा की दिशा में पुआल निकलने वाला इजेक्टर है। तो इसी तरह आप लोग भी अपना मशीन को लगाइएगा, तब आपके लिए और किसान के लिए दोनों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मशीन पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। अगर पुआल मशीन की तरफ आने लगता है तो इंजन पूरा ढक जाता है पुआल से, और इंजन का जो आगे साइड में कूलर होता है, कूलर में ज़्यादा हवा नहीं पहुंचने के कारण बहुत जल्दी गर्म हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी लापरवाही से बचें ताकि आपका ट्रैक्टर और थ्रेसर दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम कर सकें। और अगर धान की क्वालिटी हम दिखाएं तो चलिए आपको धान की तरफ ले चलते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं।